मैं सुधीर कुमार मैं पत्रकारिता का पेपर देने के लिए पटना आया हुआ हूँ और यहाँ पे पटना के महत्वाकांक्षी गंगा को टूरिज्म के तौर पे पेश करने के लिए नया व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि हम गांधी घाट के सीधे विपरीत दूसरे घाट पे मौजूद हैं और यहाँ गांधी घाट सामने आप जैसे जैसे कैमरा घूमता जा रहा है आप देख सकते हैं वहाँ दूर काली घाट और इतनी बड़ी दूरी गंगा की, इसको पार करके हम एक नाव से इस तरफ पहुँचे हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि ये नाव लगी हुई है और ये जुगाड़ पुल जिसके बारे में शायद आपने एक बार छठ में सुना होगा कि ये इसी तरह का एक पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और ये जुगाड़ पुल पर से मैं चलता हुआ आपको बता दूं बड़े कठिन है इस पर से गुजरना लेकिन इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये नाव है जिसके थ्रू लोगों को जो है लाने और ले जाने का काम किया जाता है लेकिन ये बिल्कुल जुगाड़ से चलने वाला एक नाव है। इसमें लाइफ सेविंग जैकेट का तो छोड़िए, किसी तरह के डूबने से बचाने के लिए एक एयर टाइट ट्यूब का भी बंदोबस्त नहीं है। आप नाव चलाते हैं? हेलो भैया, हेलो, आप नाव चलाते हैं? इसमें कहने ट्यूब रखते हैं? ट्यूब? हाँ, बहुत भारी चीज़ है पलटने का। ना ना ऐसे नहीं, फिर भी जो सुरक्षा है उसके लिए आपको कम से कम जो है हवा भरा ट्यूब तो रखना चाहिए ना। जितना आदमी को लाते हैं इसमें देख सकते अच्छी है, मैंने वहाँ बच्ची बैठी हुई नाव पे जो इसको पार करके उस साइड जाएगी। तो क्या आप सोचते नहीं है कि इस कुछ व्यवस्था ऐसा करें कम से कम 10-12 ट्यूब रखें इस पे? नहीं भैया देखिए यह ना बहुत भारी चीज़ है इसीलिए कर रहे हैं, ये जल्दी पलटता भी नहीं है। वो हल्का चीज है ना, देखिए वो स्पीड बोट क्या होगा क्या होगा उसका, नहीं हो तो कुछ भी सकता है, इतना दबाव है पानी का तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है कौन कौन चलाते हैं, इसका मालिक कौन है? अच्छा ये है, चलो अच्छा आप लोग लेबर हैं लेकिन किसी नाव में ऐसा व्यवस्था नहीं है ट्यूब बोट का? चलिए ठीक है, फिर अब जुगाड़ पुल से होते हुए जो है अब देख सकते हैं कि ये जुगाड़ पुल काफ़ी लंबा है जो हमें दूसरे किनारे तक ले जाएगा और एक दूसरा नाव जिससे कि मैं खुद सफ़र करके आया हूं लेकिन इसमें भी किसी तरह का जो है वो व्यवस्था नहीं है और जैसे कि एक ट्यूब होनी चाहिए जिसमें हवा भरी हुई हो। इसमें है, कहाँ है? बक्सा में रखने का, बक्सा में कैसे उसको? अच्छा बक्सा में रख रहा, अच्छा जब उस समय में बक्सा खोलिएगा, अच्छा उस समय बक्सा खोलिएगा और हवा भरिएगा लेकिन तरीका ये है कि उसको उसको रस्सी में बांध करके साइड में लटका के रखते हैं, समझे? साइड में लटका के रखते हैं वो है। अच्छा वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ भी जो है वो देखेंगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि हर नाव में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए मैं एक सेकेंड मैं जो है अब इस जो है जुगाड़ पुल को पार करते हुए जो है सो हम दूसरी साइड जो है वो पहुँचते हैं। धन्यवाद, मैं सुधीर पटना से।